दोस्तों जय श्री कृष्ण, मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं। इसीलिए आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक यादव समाज से आने वाली लड़की है जो आप सभी लोगों से इंसाफ की गुहार लगा रही है और उसे उम्मीद है कि उसके समाज के लोग उसकी मदद ज़रूर करेंगे। दरअसल दोस्तों एक लड़की है जिसका नाम है साक्षी यादव। ये दिल्ली के संगम विहार इलाके की रहने वाली है और इसने आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद पंकज गुप्ता हैं उनके ऊपर कुछ बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों को लेकर साक्षी यादव ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज की है, लेकिन पुलिस ने अभी तक पंकज गुप्ता के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की है, ना ही तो उससे किसी प्रकार कोई पूछताछ की गई है और ना ही उसकी कोई गिरफ्तारी की गई है। श्री यादव ने बताया है कि पंकज गुप्ता साक्षी यादव के साथ नाजायज संबंध बनाना चाहता था और उसे ज़बरदस्ती संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था। जब साक्षी यादव ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो पंकज गुप्ता ने उसके घर पर गुंडे भेजे और उसके पिता को मारा पीटा। इतना ज़्यादा उसके पिता के साथ मारपीट की गई कि उसके पिता के सर में गंभीर चोट। स्क्रीन के ऊपर कुछ तस्वीरें आप सभी लोगों को नज़र आ रही होंगी जिसे मैंने थोड़ा बहुत ब्लर किया हुआ है। इतना ज़्यादा मारा पीटा गया है कि मैं उन तस्वीरों को अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखा तक नहीं सकता हूँ। साक्षी यादव ने पुलिस में FIR दर्ज की है और उस FIR में क्या कुछ साक्षी यादव ने लिखा है ज़रा उस FIR को मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो FIR लिखी गई है, श्रीमान पुलिस उप आयुक्त DCP ऑफिस, DCP ऑफिस को यह FIR दी गई है, सरिता विहार नई दिल्ली। इसका विषय है आम आदमी पार्टी के नेता पंकज गुप्ता निगम पार्षद की रखेल ना बनने पर परिवार के साथ मारपीट एवं झूठे केसों में फंसाने के संदर्भ में। यानी जो पंकज गुप्ता है आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है वो साक्षी यादव को अपनी रखेल बनाना चाहता है और जब उसने इसका विरोध किया तो उसके घर पर गुंडे भेजे और उसके परिवार के साथ मारपीट की। सोचिए दोस्तों ये उस दिल्ली में हो रहा है जो भारत की राजधानी कही जाती है, जहाँ पर सारे नेता मंत्री विधायक सांसद देश का प्रधानमंत्री गृहमंत्री राज्य मंत्री सभी लोग इस दिल्ली में बैठते हैं और ऐसे दिल्ली में इतनी गंदी हरकत एक महिला के साथ हो रही है और हमारे देश के मीडिया वालों की नज़र ऐसी घटनाओं पर नहीं जाती है। कोई भी मीडिया वाला इस घटना को उठाने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद साक्षी यादव के जो लोग थे उन्होंने मुझसे संपर्क किया जिससे कि उनकी बात कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से देश की जनता तक पहुँचे और इसके बाद हो सकता है कि कोई मीडिया वाला उसके पास जाए, उसकी खबर को भी दिखाया जाए। साक्षी यादव इस FIR में क्या लिखती है ज़रा ध्यान से सुनिए। लिखा है, मान्यवर जी, निवेदन इस प्रकार है कि मैं साक्षी यादव पुत्री सुमेश यादव निवासी F1/337 संगम विहार दुर्गा मंदिर विहार नई दिल्ली 62 में परिवार के साथ रहती हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष के पात्र मान में पढ़ती हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता पंकज गुप्ता उसके हुंडे निशु मोहम्मद रशीद सोहेल शूटर यशपाल यादव इरफान सिद्दीकी सलमान मॉडल व अन्य मुझे पंकज गुप्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहे हैं एवं अपने मोबाइल फ़ोन द्वारा मेरी बात करवाते थे और पंकज गुप्ता कहते हैं कि यदि मेरे साथ मेरी रखेल बनकर रहेगी तो तुझे आम आदमी पार्टी में अच्छा पद दिलवा दूंगा और एक ट्यूबवेल तेरे नाम करवा दूंगा व ऐश करवाऊंगा। मेरे बार बार मना करने पर भी यशपाल मेरे घर पर ज़बरदस्ती आता था और किसी अन्य फ़ोन से मेरी बात पंकज गुप्ता से करवाता था। जब मैंने मना किया कि यह गंदा काम है, मैं नहीं करूँगी और मैं तेरी शिकायत दिल्ली पुलिस को करूँगी, तो कहता है कि थाना निगम पार्षद पंकज गुप्ता के अंदर आता है। इरफान सिद्दीकी सलमान मॉडल मेरे घर में आए, मुझे धमकी देने लगे कि अगर ज़्यादा बोलेगी तो तेरे घर का चालान कटवा दूंगा, डेंगू मलेरिया का चालान कटवा दूंगा एवं तेरे परिवार को झूठे केस में फंसवा देंगे। और इरफान सिद्दीकी सलमान मॉडल ने मेरे सामने पेशाब किया, मेरी छाती को दबाया। मान्यवर जी, इरफान सिद्दीकी सलमान मॉडल निशु मोहम्मद रशीद
सोहेल शूटर मुझे अक्सर रोड पर धमकियां देते थे कि तेरे भाई व बाप को मरवा देंगे। मैंने डर की वजह से कोई शिकायत नहीं की। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने साक्षी यादव ने आम आदमी पार्टी के पार्षद पंकज गुप्ता के ऊपर कितने ज़्यादा गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। अगर इन आरोपों में सत्यता है तो खुद ही सोच कर देखिए कि साक्षी यादव और उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, कितने मानसिक तनाव से साक्षी यादव और उसका परिवार जूझ रहा होगा, कितनी कठिनाइयों का सामना साक्षी यादव को करना पड़ रहा होगा, और वो भी ऐसे प्रदेश के अंदर जो हमारे देश की राजधानी है। स्क्रीन पर नजर आई तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि पंकज गुप्ता आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जैसे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस पंकज गुप्ता निगम पार्षद को अपनी पार्टी से लोग तत्काल बर्खास्त करें और इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और मैं दिल्ली पुलिस से निवेदन करना चाहता हूं, जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आती है, बीजेपी के अंडर में आती है, कि वो साक्षी यादव को इंसाफ दिलाने के लिए पंकज गुप्ता के ऊपर त्वरित कार्रवाई करें, कठोर से कठोर कार्रवाई करें और साक्षी यादव को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करें। और आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।